जय गुरुदेव। प्रवीण मंत्र विज्ञान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऐलान अनुसार 21 दिन का कर्फ्यू भारत में लगा दिया गया है और इसी दौरान नवरात्रि का भी बहुत अनुकूल समय चल रहा है, तो जो भी साधक साधना करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। घर में रहने का एक अच्छा समय मिल रहा है, ऑफिसेस जो जाते थे उनको छुट्टियां मिल चुकी है, जो लोग सिविल सर्विसेज को छोड़ के अन्य सर्विसेज में थे, रेलवे वगैरह वगैरह, उनको घर में रहने का मौका मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत अनुकूल समय है। इस समय आप देवी शक्तियों को और अन्य जो भी साधना आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, उनको करने के लिए एक अच्छा मौका है। जो लोग कोई साधना नहीं करना चाहते उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो देश में फैलते हुए कोरोना से बचाने के लिए माँ बगलामुखी का, जो मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो पब्लिश किया था, उस मंत्र की ज़्यादा से ज़्यादा जप करके 11 माला 11 दिन तक करें और उनका दशांश हवन करें और प्रार्थना करें कि स्वयं भी इस कठिन परिस्थिति की दौर से निकले और ये कठिन दौर से गुजर रही है वो भी इस परिस्थिति से निकल जाए। माँ बगलामुखी का यह रोग दोष और शत्रु संहारक जो मंत्र है वो काफ़ी पावरफुल है, आप इस दौरान उसको कर सकते हैं। और जिन साधकों को हम लोग साधना सामग्री नहीं उपलब्ध करवा पाए उनसे हम एक बार तहे दिल से क्षमा चाहेंगे। इस कर्फ्यू के माहौल में हमने कुछ सामग्रियां भेजी भी थी, DTDC कुरियर, इकोमैक्स कुरियर और अन्य कुरियरों के माध्यम से, लेकिन इस कर्फ्यू के दौरान उनको, जो पूरे देश में लॉकडाउन हुआ है, तो उससे इफेक्टेड हुए कुछ पार्सल डिलीवर हो चुके हैं, बहुत सारे पार्सल अभी ऑन होल्ड एंट्रेंस सीट शो कर रहा है, तो मैं उन साधकों से माफ़ी चाहूँगा। पार्सल यहाँ से हो चुके हैं काफ़ी और वो कहीं ना कहीं आपके हब में या आपके सिटी में या आपके कहीं भी आसपास के एरिया में कहीं ना कहीं वो होल्ड हुए होंगे, तो वो भी आपको इस समय के पश्चात जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, अभी हमारी जिम्मेदारी स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा की है, तो मैं आग्रह करूंगा कि जो भी साधना करना है, जो भी देवी की पूजा अर्चना करना है, वो स्वयं अपने घर में रहकर करें, क्योंकि हमारी एक छोटी सी गलती हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे इस पूरे देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है। डरना नहीं है लेकिन आपको सतर्क रहना है, सतर्कता में ही फायदा है, सावधानी में ही सुरक्षा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं भी अभी जंगल में खड़ा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, फिर भी मैं मास्क लगाकर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप भी इस चीज़ से वाकिफ हो कि ये परिस्थिति वाकई गंभीर है। यह मेरे हिसाब से, मेरा अनुमान है कि ये उन सभी लोगों के लिए बहुत ही सजगता बरतने का एक समय है जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, और मेरा अनुमान कहता है कि यह जो प्रलय की स्थिति बनी है विश्व में, यह कहीं ना कहीं हमारी इंसानियत की गलतियां हैं। हम भूल गए कि भगवान ने हमें किस लिए भेजा है और हम क्या कर रहे हैं। बाल, जो हमारा एक बाल है उसके 100वें हिस्से के बराबर एक छोटा सा वायरस, जिसने पूरे इंसानियत की अपनी औकात दिखा दी कि तुम अपने आप को जो महान मानते हो, इतने बड़े अपने आप को समझते हो कि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे की वो बात करी है, बहुत आगे तरक्की करी है, तो बिल्कुल यह गलत है, आप अपनी औकात में रहे। ये इस छोटे से वायरस ने हमको एक बता दिया है, झुझोल के रख दिया है,
तो कहने का तात्पर्य मेरा समझ चुके होंगे आप। हमारे आयुर्वेद में और हमारे प्राचीन काल से कहते आए हैं कि सतर्कता बरते खाने पीने में, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, शुद्ध शाकाहारी रहें, तो उस चीज़ को अपनाना चाहिए। जैसे चाइना में शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जिसका मांस वहाँ नहीं खाया जाता होगा। जब जब धर्म की हानि होगी, किसी न किसी रूप में भगवान हम इंसानों को इस टाइप से बताते रहेंगे, ये मेरा अनुमान कहता है। और हमें इस चीज़ को मान भी लेना चाहिए कि ये हम इंसानियत की गलती, एक चाइना से उत्पन्न हुआ एक वायरस पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा दिया है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। भगवान के द्वारा बताई गई इस छोटे से ट्रेलर, मैं तो इसको ट्रेलर ही कहता हूं, और इससे ज्यादा क्या कि बाल से वैज्ञानिक के अनुसार सोवें हिस्से के बराबर एक वायरस ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यह एक प्रलय की ओर इशारा करती है। हम इंसान को इस चीजों से समझ जाना चाहिए और हमें अपने आप को एक शांतिपूर्वक जीने की एक राह को चुनना चाहिए। बहुत सारे दावे बता रहे हैं कि चाइना ने एक जैविक हथियार बनाने का प्रयास किया, तो क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। हालांकि जो इंसान धरती पर जन्म लिया है वो जाएगा ही जाएगा, सभी को जाना है, इंसान को, जानवरों को, सबको जाना है। लेकिन फिर भी हम लोगों को समझना चाहिए और इंसान को पापों से दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं दया भावना, सहायता की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। इस नवरात्रि अच्छे से साधना करें, यही मेरी कामना है। आपका घर परिवार सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी कामना के साथ मैं प्रवीण कुमार फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।